यहाँ पे मेरे काफी व्यूअर्स का कंफ्यूजन है कि वो लोग 300 वाट के एम्पलीफायर में सिर्फ 300 वाट का स्पीकर बजा सकते हैं। देखिए दोस्तों, उनके लिए वो इस 300 वाट का स्पीकर कुछ इस तरीके से है। उन्होंने 12 इंच के 150 वाट के दो स्पीकर ले लिए, उन्हें एक बॉक्स में लगा दिया, उनके लिए वो 300 वाट बन गया। और वो सिर्फ 300 वाट के एम्पलीफायर से वो एक स्पीकर बजा रहे हैं। उनका ये कन्फ्यूज़न है कि अगर वो वही 300 वाट के दो स्पीकर्स लगा देंगे, यानी कि पेयर चला देंगे, तो उनका एम्पलीफायर यहाँ पे उड़ जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। दोस्तों मैं यहाँ पे यही कन्फ्यूज़न आपकी दूर करने वाला इस वाली वीडियो पर। दोस्तों यहाँ पे आपको थ्योरी में बिल्कुल नहीं जाना है, ये सब मैं अब आपको बात इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिएगा, आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा किस तरह की वाली वीडियो होने वाली है। तो बस दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा, तो बिना कुछ टाइम गवाए, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोल्यूशन दिस टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि यहाँ पे हमेशा दोस्तों आपको थ्योरी पे नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वो बात आपकी ठीक है, आप 300 वाट का स्पीकर 300 वाट के एम्पलीफायर से चला रहे हैं, 250 वाट के एम्पलीफायर से चला रहे हैं, वो ठीक है, आपका थ्योरी पे जाना बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर हर बार थ्योरी नहीं चलती है। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद नोटिस किया है। दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है जिसका स्पीकर जल चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो यहाँ पर पे काफ़ी ज़्यादा स्पीकर्स बजा रहा था, यानी कि उसने एक गलती कर दी। उसके पास 300 वाट का एम्पलीफायर था और उसने एक टॉप जो उसका 300 वाट बन रहा था, उसको लग रहा था वो 300 वाट है, यानी कि उस एक टॉप में 150 वाट के 12 इंच के स्पीकर लगे हुए थे। तो वो उसके लिए 300 वाट बन चुका था, तो वो कंटिन्यूस वही स्पीकर और एम्पलीफायर को चलाया पड़े था भाई कि दोनों यहाँ पे बढ़िया बज रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी ये गलती है कि उसने यहाँ पे अपना बैलेंस पे मास्टर ना करते हुए 6 पे मास्टर या 8 पे मास्टर करके बजा दिया काफ़ी तेज। उस एक स्पीकर में दोस्तों इतना ज़्यादा लोड गया कि वो जो दोनों 150 वाट के 12 इंच के स्पीकर थे दोस्तों, उनके दोनों स्पीकर अभी उड़ चुके हैं, मैग्नेट बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था उस टाइम। तो बस दोस्तों वो जल्दी जल्दी से स्पीकर बंद किया गया, वरना एम्पलीफायर को भी प्रॉब्लम हो जाता। तो वही दोस्तों उसके स्पीकर जल चुके हैं, तो मैं उसको बनवाने के लिए ले जाने वाला था। तो बस दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये स्पीकर है, कुछ ये कुछ न्यू डायमियम कंपनी का स्पीकर है। मैं दोस्तों कंपनी के ऊपर बिल्कुल नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, यहाँ पे गलती थी। तो दोस्तों ये है हमारा एक 12 इंच का स्पीकर जो कि इस टाइम उड़ चुका है। दोस्तों ये 150 वाट का एक 12 इंच का स्पीकर है, इसमें दोस्तों यहाँ पे जो मैग्नेट है बहुत ज़्यादा हीट हो चुका था, बहुत बर्न हो गया था। तो बस दोस्तों इस सिचुएशन को ऐसे ही मेंटेन किया गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आपके पास एक आपने टॉप लिया, उसमें आपने 150 वाट के दो स्पीकर लगा दिए, तो दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं ज़रूरी है कि आप उसको 300 वाट या 250 वाट के एम्पलीफायर से सिर्फ एक ही बजा सकते हो। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास 150 वाट के दो स्पीकर्स हैं, उन्हें आपने एक टॉप में फिट कर दिया, तो वो आप 150 वाट के एम्पलीफायर से बजा सकते हो, बिल्कुल चल जाएगा। और बाय चांस अगर आपके पास 300 वाट के एम्पलीफायर है और आपने एक पेयर खरीद लिया जिसमें कि 150 वाट के 4 स्पीकर लगे हुए हैं, आप समझ गए होंगे 600 वाट बन रहा है आपके लिए, लेकिन दोस्तों वो 600 वाट नहीं होता है। ये जो हमारी 300 वाट की एम्पलीफायर होती है, ये आपके 2 300 वाट के स्पीकर्स को चलाने की कैपेबिलिटी रखती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 600 वाट चलाने की कैपेबिलिटी रखती है, इसलिए इसको 300 वाट कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर बिल्कुल लोड नहीं जाता आपके एम्पलीफायर पर, आप बिल्कुल फ्रीली 2 स्पीकर चला सकते हो। वो 2 स्पीकर कुछ इस तरीके से हैं, वो पहली बात तो पेयर हैं और डुअल 12 इंच के बॉक्स हैं दो, और उसके अंदर 150 वाट का एक स्पीकर लगा, यानी कि सारे मिला के 4 150 वाट के स्पीकर हो गए। तो आपके ये 4ों स्पीकर वो 300 वाट के एम्पलीफायर से चल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत लोग इस पर कन्फ्यूज़ हैं कि क्या वो 300 वाट के एम्पलीफायर से 4 150 वाट के स्पीकर बजा सकते हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेशक आप बजा सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका चल जाएगा। मास्टर बैलेंस पर रखिए, अपना जो ऑक्स से चला रहे हैं या फिर आप माइक चला रहे हैं, बिल्कुल उसको मीडियम रखिए, बैलेंस रखिए, 6 पे ले जाइए, 8 पे ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर हाँ, यहाँ पे आप 6 तक के ले जा सकते हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगा, आवाज़ वैसे फटने लगता है, तो आप 6 तक के ले जाइए मास्टर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जी दोस्तों, तो बस दोस्तों ये आपका डाउट मैंने क्लियर करना कह दिया कि दोस्तों अगली बार से अगर आप कुछ ऐसी गलती करते हो तो आपका स्पीकर ना जले, इसलिए दोस्तों वाली वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मेरे पास आप सभी के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई मैं क्या ऐसे स्पीकर बजा सकता हूँ, इस तरीके से बजा सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल बजा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। तो
ऐसा आपको अब अगली नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल नहीं करना है। देखिए देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 150 वाट का एम्पलीफायर है तो आप उस पर 300 वाट का स्पीकर बजा सकते हो, 300 वाट का है तो 600 वाट बजा सकते हो। अब 600 वाट आप ऐसे नहीं बजाओगे कि आपका एक स्पीकर 300 वाट का है तो दो स्पीकर आप बजा दोगे उसमें, 300 वाट के 600 वाट, इस तरह से नहीं बजाना आपको। आपको इसको तोड़ तोड़ के बजाना, यानी कि जैसे कि 150 वाट के दो बजा दिए, 300 बन गया, फिर 150 वाट के दो हो गए, 600 बन गया, तो दो टॉप आपके बच जाएंगे बहुत आराम से। उम्मीद दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आपको अपने वीडियो के जरिए समझाने का, मैंने यहाँ पे कोई अभी इमेज या एग्जांपल नहीं बनाया। तो बस दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, बस दोस्तों इतना ही आपका डाउट मुझे क्लियर करना था। तो बस दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, हमेशा आपको थ्योरी पर नहीं जाना, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस पर भी जाना पड़ेगा। दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपके एम्पलीफायर और स्पीकर में। तो बस दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड